हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस 2016 जून पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 43। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इज़ रिलेटेड टू यूलर्स लैग्रांज इक्वेशंस, दिस इज द क्वेश्चन। और कहता है कि उसमें जो हमारा कर्व होगा वो फोर ऑप्शन में कोई एक अप्लीकेबल होगी, द स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स या फिर सर्कल। ठीक है, तो कर्व ऑफ फिक्स लेंथ एल है, दो पॉइंट्स दी गई है और मैक्सिमम एरिया को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कंडीशन है पहले उसको फॉलो कर लेते हैं। दिस इज द वाई गिवन कर्व ऑफ लेंथ दी गई है एट बिटवीन द टू पॉइंट्स ओरिजिन एंड 1,0। हमने एक रफली ग्राफ ड्रॉ किया है, इसी को मैक्सिमाइज करना है और इसकी लेंथ दी गई है, टू एंड पॉइंट भी हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंथ फार्मूला, कि लेंथ का जो इंटीग्रेशन का फार्मूलाज है 0 to 1 अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे वाई डैश कहने का मतलब है कि वाई डैश दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो वाई डी एक्स दैट मीन्स एफ एक्स डी एक्स, जो हमें इंटीग्रेशन से पता है 0 to 1। अब हमें कंडीशन ये है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस इज एरिया, इसको मैक्सिमाइज करना है। अंडर द कंडीशन, अगर हम कंडीशंस की बात करें तो ये हमारे पास दी गई है कि दिस इज द गिवन कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, जो जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है उसे एफ ट्रीट करना है, तो दिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे तो वाई इज एफ जी हमारा अंडर रूट दिस, एंड यूलर इक्वेशन से हमारे पास दिस इज द कंडीशन कि एफ जी जब जिसको हमें एक्सट्रीमाइज करना है, जो फंक्शंस कंडीशंस पे दी गई है उसको एप्लीकेबल यूज करके हम क्या करेंगे, यूलर इक्वेशन को फॉलो अप लेंगे। तो दिस इज द यूलर इक्वेशन, लैम्डा इज ए कांस्टेंट। अब यहाँ से एफ वाई, तो एफ वाई दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एफ ऑलरेडी वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0। अच्छा, जी को वाई के रिस्पेक्ट में, इसमें वाई कहीं नहीं है तो इसलिए 0 हो जाएगा, और वाई डैश के रिस्पेक्ट में तो रूट एक्स का 1/2 √x, और फिर वाई स्क्वायर का करेंगे वाई डैश स्क्वायर का, तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट अप हमने किया और सिंपल कैलकुलेशन हमें यूज करते जाना है। तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स बचेगा इज इक्वल टू 1, तो 1 डिफ्रेंसिएशन किसका होता है, तो हमें पता है कि ये एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो एक्स के साथ हमने अपने मन से कॉन्स्टेंट C1 यूज किया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, तो कुछ ऐसा इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को और थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया, तो दिस इज अनदर सेकेंड इक्वेशंस, वाई डैश स्क्वायर, वाई वन को हमने सेपरेट कर दिया, और फिर हमने क्या किया, बाय वेरिएबल सेपरेबल से डी वाई एंड डी एक्स को अलग अलग किया। नाउ टेकिंग द इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन से ये अंडर रूट एक्स और ये सब लीजिए एक्स स्क्वायर, ऊपर में एक्स डी एक्स है, तो अंडर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C2, C2 को LHS पे लाया, अंडर रूट दिस मच, बोथ साइड स्क्वायर हमने किया, तो लेमडा का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाले टर्म्स को इधर लाया, तो लेमडा का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर, तो रेडियस हो गई लेमडा, C1 C2 जो यहाँ पे होगी, तो माइनस C1 और C2 इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा होगा विल बी द एब्सोल्यूट करेक्ट चॉइस। सो इस क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 अ सर्कल विल बी द राइट ऑप्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।